सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रि की। 2023 की चैत्र नवरात्रि की तीसरी शक्ति है माँ चंद्र घंटा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। माँ चंद्र घंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्र घंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। तो आज हो रही है माँ चंद्र घंटा की पूजा। तीसरा स्वरूप माता का माँ चंद्र घंटा के रूप में है, जिसकी आज पूजा अर्चना की जा रही है। और आइए सबसे पहले इस वक्त हम रुक करेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम का, जो कि फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे, नवरात्रों का मौका है, बेहद पावन पवित्र मौका है और सभी माता के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में किस तरह से नवरात्रों की धूम है? देखिए, बिल्कुल पूरे देश में नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है और इस समय हम फरीदाबाद में हैं। फरीदाबाद में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तिकोना पार्क में मंदिर पड़ता है और यहाँ पर तमाम भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि माता के जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों पर पहुँच रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा नवरात्र आज है, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस माँ चंद्रघंटा की पूजा में माँ का जो प्रिय भोग माना जाता है, इसे दूध और खीर का प्रिय भोग जो है वो माना जाता है। चंद्र घंटा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मस्तक जो है माँ का, ये चंद्रमा के समान मस्तक रहता है और उस लिए माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। और तमाम तरीके से जो भक्त हैं वो माँ को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस मंदिर पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ माता का आप रूप देखेंगे तो आप मोहित हुए बिना नहीं रहेंगे। तमाम नौ मूर्तियाँ यहाँ लगाई गई हैं, माता की नौ मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं और इन मूर्तियों के को विग्रह जो स्थापित हुआ है, इन पर बेहद सुंदर छटा आपको देखने को मिलेगी। माँ को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हुए, कोशिशें करते हुए भक्त नजर आते हैं। मंदिर पर लगातार जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है। कुछ लोग जो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरीके से माँ को मनाने के लिए पहुँच रहे हैं, माँ को मनाने पहुँची हैं किस तरह से, क्या क्या चाहती हैं। बस हम अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आए हैं माँ के मंदिर में। मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं और 9 दिन के व्रत रखे हैं, घर में सुबह शाम पूजा आरती करते हैं। बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं, पढ़ाई को लेकर भी चिंतित हैं और तमाम तरह की बातें बच्चों के मन में भी रहती है, बच्चों से जानते हैं। आप बताओ, माँ को मनाने पहुँची हो, माँ के दर्शन करने पहुँची हो, क्या मांग रहे हो माँ से? पढ़ाई के लिए और बस पढ़ाई। कैसे मनाती हो माँ को, किस तरह पूजा करते हो? 2 बार पूजा करते हैं घर में, सुबह उठकर और फिर शाम को करते हैं बस। मंदिर के पुजारी हमें दिखाई दे रहे हैं, मंदिर के पुजारी से एक बार जान लेते हैं और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि विग्रह की जो तस्वीर है ये हमारे कैमरामैन दिखाते रहे और उसके अलावा हम जो मंदिर के पुजारी हैं इनसे एक बार बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि माँ चंद्र घंटा को जो आज जो पूजा की जाती है ये किस पर्पस से की जाती है, किस तरह से माँ को मनाया जाए। पुजारी जी, क्या शुभ नाम क्या है? पंडित शंभुनाथ तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं कि किस तरह से माँ को मनाते हैं, आज के दिन की अगर बात करें तो क्या महत्व है इसका? आज चौथा नवरात्रा है, तीसरा नवरात्रा माँ को ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। मंदिर को हमें तस्वीरें आपको दिखा दीपक, चलिए हम आएंगे आपके पास। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो आप हमको दिखा रहे हैं यहाँ इस मंदिर से और हमारे दर्शक भी दर्शन कर पा रहे हैं माता रानी के अपने घर में बैठे हुए। इसी बीच हम कुरुक्षेत्र चलेंगे, हमारे संवाददाता अशोक यादव को हम देख सकते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, किस मंदिर में आप मौजूद हैं, वहाँ की छटा भी दिखाइए और किस तरह की रौनक है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, ये भी बताइए।
देखिए मैं कुरुक्षेत्र का यानी कि विश्व विख्यात भद्रकाली मंदिर है, पूरे विश्व में फेमस है और उस भद्रकाली मंदिर में हूँ। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हमारे कैमरे के सहयोगी दिखा रहे हैं आपको कि माँ भद्रकाली का स्वरूप है और यहाँ पर पूरे विश्व में ये जाना जाता है। यहाँ पर माँ सती का देवी का जो दायां टखना है वो विराजमान है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से माँ भद्रकाली का जो स्वरूप है और किस तरह से इसकी साज सज्जा की गई है। यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, विदेशों से यहाँ पर फूल मंगवाए गए हैं, 21 देशों से फूल मंगवाए गए हैं। 9 दिनों तक आज माँ चंद्रघटा की पूजा हो रही है। जो इसी तरह प्रकार से बात की जाए तो लगातार 9 दिनों तक अलग अलग नवरात्रि पर पूजा होगी और श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगकर माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस तरह से लगातार ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु सुबह सुबह का ही समय काफी अच्छा माना जाता है। लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं और माँ भवानी के चरणों में, माँ भद्रकाली के चरणों में प्रार्थना करते हैं और माथा टेकते हैं। उसके बाद अपने काम को और अपने ड्यूटी की ओर निकलते हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज ये यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्या बताएंगे, कितनी भीड़ है। माँ भद्रकाली का पूरा ऐतिहासिक है और ये पूरा फेमस मंदिर है। जय माता की। मैं सेवादार हूँ। ये माता भद्रकाली का बहुत फेमस मंदिर है और यहाँ पे हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पे प्रार्थना करता है और माता से जो भी मांगता है उनको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे माता सती का दायां टखना विराजमान है जिसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे श्रद्धा है। जय माता। आप सुन सकते हैं कि सती का दायां टखना विराजमान है। मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि महाभारत कालीन जो घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं जिनके लिए माँ भद्रकाली का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। ये वो छोटे छोटे घोड़े हैं। भगवान बलराम का जब मुंडन हुआ था तब यहाँ पर युद्ध कामना के बाद वो घोड़े चढ़ाने की परंपरा आज भी चली आ रही है और यही वो घोड़े की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ पे तमाम देशों के तमाम राष्ट्रपति से लेकर तमाम प्रधानमंत्री हो चाहे वीवीआईपी हो, वो लोग यहाँ माँ भद्रकाली के चरणों में नतमस्तक होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जाहिर है कि आज वेशक परंपरा बदल गई हो मगर यहाँ पर सोने चांदी के घोड़ों की जगह मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली के माँ भद्रकाली के मंदिर में पहुंचने के बाद जिनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर वो मिट्टी और सोने चांदी के घोड़े चलाए जाते हैं। और दुबई में बुर्ज खलीफा की तर्ज पर यहाँ पर आतिशबाजी की गई, इको फ्रेंडली आतिशबाजी की गई। नव वर्ष विक्रमी संवत का शुरुआत हुआ तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ भद्रकाली के मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। मेरे कैमरे के जो सहयोगी हैं वो आपको दिखा रहे हैं, इतनी मनमोहक तस्वीरें हैं। हम सूर्य समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो मनमोहक तस्वीरें हैं आपको शायद और कहीं देखने को मिले कि विदेशों से फूलों से मंगवाया गया, माँ भद्रकाली के मंदिर को सजाया गया और लोग जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आए हुए लाइनों में लगे हुए हैं, माँ भद्रकाली के दर्शन कर रहे हैं, सुबह सुबह माथा टेक रहे हैं क्योंकि आज माँ चंद्रघटा की पूजा हो रही है और इसी प्रकार से 9 दिनों तक लगातार माँ की पूजा होगी। जाहिर है इसी प्रकार से यहाँ पर शनिवार के दिन ज्यादा महत्व होता है, शनिवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ता है। जी बिल्कुल अशोक, हम चाहेंगे अगर संभव हो तो एक बार फिर से माता के थोड़ा नजदीक से आप दर्शन कराएं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि कितना प्राचीन ये मंदिर है और तमाम पौराणिक मान्यताएं यहाँ के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे में जाहिर है लोगों की जो आस्था है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर कुछ लोगों से भी हम बात कर पाएं और ये जान पाएं कि किस तरह से उनकी आस्था इस मंदिर में है, लेकिन उससे पहले माता के अगर नज़दीक से दर्शन संभव हो पाएं तो हम चाहेंगे सूर्य समाचार के सभी दर्शक जो हैं वो इस बेहद खास मंदिर के दर्शन कर पाएं और माता के स्वरूप के नज़दीक से दर्शन कर पाएं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो विराजमान है और यहीं पर जो पूजा अर्चना होती है, विश्व विख्यात ये मंदिर है। और हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जो यहाँ पर विराजमान है, शक्ति देवी माँ भद्रकाली का मंदिर है और यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से माँ भद्रकाली की यहाँ पर पूजा हो रही है। सती देवी का जो टखना विराजमान है, गुल्फ कहा जाता है जिसे, उसकी भी पूजा की जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लगातार श्रद्धालु यहाँ सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। अशोक, तस्वीरों को थोड़ा जूम कर पाना संभव है क्या? जी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें हम आपको माँ भद्रकाली के चरणों की दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें भी आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुरुक्षेत्र का बेहद प्राचीन मंदिर जिसकी महत्ता के बारे में हमारे संवाददाता अशोक यादव हमको जानकारी दे रहे हैं। और आइए अब हम अंबाला का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हैं। अंबाला में नरेश, आप किस मंदिर में हैं और वहाँ की रौनक आपके ज़रिए देखना चाहेंगे और साथ ही साथ आज के दिन किन खास बातों का महत्व है बताने के लिए अगर वहाँ पर कोई पुजारी या पंडित मौजूद हो तो।
भजनों का बहुत ज्यादा शोर है, आवाज बहुत तेज है, इसलिए आपकी बात बहुत सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर कोशिश करें आप कि थोड़ा सा कोई ऐसी जगह चुन लें जहां पर आवाज अगर कम हो तो आपकी बातचीत आपसे बेहतर तरीके से हो पाएगी। लेकिन इसी बीच जोगिंदर कुमार का रुख करते हैं, नारनौल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगिंदर, आज तीसरे दिन नवरात्रों के क्या कुछ खास नारनौल में? इस तरह से माँ चामुंडा देवी की जो मूर्ति है वो विराजमान है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पर चामुंडा देवी का। कहा जाता है कि 500 साल से भी अधिक पुराना ये मंदिर है और मान्यता है कि जो भक्तजन यहाँ माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए आता है, माँ के दरबार में आता है, उनकी जो मन्नतें हैं, मुराद है, वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं, हालांकि आज रात से ही बरसात का मौसम है, नागपुर में सुबह भी बारिश का मौसम रहा। ऐसे में जो आरती है वो आरती हो चुकी है। आरती के बाद जो लोग रूटीन में मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो लोग अब आ रहे हैं माता के दर्शन करने और माता से मन्नत मांग रहे हैं। इन्हें माँ नवरात्रों का दिन है, आज तीसरा दिन है, ऐसे में हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, इस तरह से मन्नतें लोग मांग रहे हैं माता के मंदिर में, चामुंडा देवी के मंदिर में। मौसम खराब होने के बाद भी जो भक्त हैं, जो माता के भक्त हैं, जिन्हें मंदिर में आना है, बरसात के चलते भी वो मंदिर तक पहुंचे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आज तीसरा नवरात्रा है, आप माँ के दर्शन करने आए हैं, तीसरा नवरात्रा है, क्या माँ से मन्नत मांगते हैं? आशीर्वाद और भी है मेरे साथ में, माँ के दरबार में आप आए हैं, बहुत पुराना मंदिर है, क्या मन्नत मांगते हैं माँ से? जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, मुराद ऐसा भक्त जनों का कहना है। ठीक है, बिल्कुल जोगिंदर। और हमें इसी बीच फरीदाबाद का रुख करना होगा, हमारे संवाददाता दीपक गौतम फरीदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप जिस मंदिर में हैं वहाँ की छटा तो आपने हमको दिखाई, साथ ही लोगों से भी, कुछ और लोगों से भी अगर हो सके तो थोड़ा सा बातचीत करके ये जानिए कि किस तरह से उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और क्या कुछ विशेष इन नवरात्रों में उनके लिए। देखिए, बिल्कुल, लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि उनकी आस्था किस तरह से मंदिर से जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि लोग किस तरह से माता चंद्रघंटा को मनाएं, किस तरह से माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, किस तरह से माँ से अपने मनोकामना जो है उसको माने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। इनसे एक बार जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि माँ चंद्रघंटा को मनाने के लिए, वैसे तो माँ है, माँ को तो सिर्फ दिल से याद करो, माँ हाजिर हो जाती है, माँ भक्त अपने बच्चों के लिए तैयार रहती है, लेकिन फिर भी अगर पूजा विधान की बात करें, विधि विधान की बात करें, तो कैसे मनाना चाहिए? जय माता दी। सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि यह जी देवी का चंद्रघंटा नाम कैसे पड़ा। जब भगवान शिव माँ दुर्गा ने, जब भगवान शिव से शादी करने के बाद भगवान माँ दुर्गा ने अपने माथे पर अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के समान वो बना के
तिलक रखने लगी, इसलिए तब से इनका नाम चंद्रघंटा का नाम से प्रतीत होता है। यह देखने में घंटी के समान प्रतीत होता था, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा नाम होता था। इस माता को हम औरतें जो है पुरुष है अपने विवाहित जीवन सफल बनाने के लिए इनकी पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी विधि विधान से पूजा करते हैं ताकि हमारा जो वैवाहिक जीवन है तो अच्छे से विधित हो, सुख विधित हो, जैसे भगवान शिव और भोले पार्वती जी का हुआ था। और इसमें माता जी के जो है तो प्रिय सफ़ेद चीज बहुत प्रिय होता है हिमाचल धंधा को, इसमें माता जी के दूध से बना खीर और दूध और सफ़ेद साड़ी मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करें होते हैं। ये पंडित जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि माता को क्या पसंद है, क्यों इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब बात करते हैं कुछ लोगों से जो लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, मंदिर में आकर माँ को मनाने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानते हैं। बहन जी जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? ठीक है। और कुछ लोगों से जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बेटा ये बताओ मंदिर में पहुंचे हो, क्या मानने पहुंचे हो माता से? अच्छा रिजल्ट आ जाए बस। रिजल्ट अच्छा आ जाए। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया है? सिक्स क्लास के। अच्छे रिजल्ट की कामना है। आप बताइए, आप मंदिर पहुंचे हैं, मंदिर प्रबंधन समिति से भी जुड़े हुए हैं, मंदिर की मान्यता क्या है और किस तरह की मनोकामना लेकर आप पहुंचे हैं आज? चूंकि चंद्रघंटा का दिन है, माता का दिन है, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो अपनी मैं पहले तो सभी यहाँ के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, नवरात्रों की शुभकामनाएं देने चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं और महारानी का यहाँ के फरीदाबाद के ऊपर पूरी कृपा है, पूरे संसार के ऊपर कृपा है, पर इसकी विशेष कृपा यहाँ पे जो भगत लोग आते हैं उनके सबके ऊपर कृपा है। और आज जो है नवरात्रों की जो शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रदेश के और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक चीज मैं आपको खास दिखाता हूँ, इस मंदिर की जो तस्वीर है, माता की जो तस्वीर है, वो मैं आपको साफ तौर पर एक इसकी क्वालिटी बताता हूँ कि ये आप देखिए कि चारों तरफ दिए जल रहे हैं, आग इतनी ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि माँ का चेहरा बिल्कुल दमकता हुआ, चमकता हुआ, बिल्कुल सफेद नजर आएगा। चारों तरफ आप मंदिर पर जब नजर डालेंगे, आमतौर पर होता यह है कि जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है और जहां धुआं होता है वहां आमतौर पर प्रतिमाओं पर कालापन आ जाता है, लेकिन आप तस्वीर को जब देखेंगे, माँ की तस्वीर पर आप जब नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि माँ का चेहरा एकदम चमकता दमकता नजर आएगा। संगमरमर की ये मूर्ति, लेकिन बावजूद इसके चेहरे पर एकदम शानदार चमक, किसी भी तरह का धुआं या किसी भी तरह के बाकी चीजों का फर्क माँ की तस्वीर पर नजर नहीं आता। और बिल्कुल इसी तरह से ये हम माँ दुर्गा की तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब जितनी भी तस्वीरें आप यहां देखेंगे उन सारी तस्वीरों पर आपको एक चीज नजर आएगी और वो चीज ये कि एक अलौकिक तेज यहां पर आपको माँ के चेहरे पर नजर आएगा, एक दया भावना माँ के चेहरे पर नजर आएगी। जैसा कि आप घरों में देखते हैं कि माँ के चेहरे पर एक ममता रहती है, माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा दयावान रहती है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो माँ के चेहरे पर वो दया भाव, वो आशीर्वाद वाला भाव आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और यही वजह है कि इस मंदिर की मान्यता बहुत है, लगातार लोग इस मंदिर पर पहुँचते हैं, अपनी बातों को माँ के सामने रखते हैं और होता यह है कि माँ उन तमाम मनोकामनाओं को पूरी करती है और इसी वजह से इस मंदिर की महत्व लगातार बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में यह मंदिर काफी पुराना मंदिर है, बताया जाता है कि यहां एक कुआं था, उस कुएं से यह मूर्ति निकली थी माता की और उसके बाद यहां भव्य मंदिर की जो स्थापना की गई और इस भव्य मंदिर की स्थापना होने के बाद जब भी नवरात्रे आते हैं तब यहां पर बेहद बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक माता जी हमारे साथ है, माता जी से पूछते हैं कि माता जी आज तो माँ का दिन है, आप बताइए कैसे माँ को पूज रही है? सेवा करके माँ की पूजा करके, पूरा बुलेटिन सी माता की सेवा करके ना पूजा करके तब पूछती हूँ, महारानी से यही मांगती हूँ कि अपने दर पे सेवा पे मेरे को लगाई रखे। जय माता। अभी क्या मांगा आप? यही मांगा सेवा मेरे को दे महारानी अपने दर पे, और कुछ नहीं मांग रही महारानी से। बाकी पूजा के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, मैं दिखाता हूं यहां पर हवन कुंड यहां बना हुआ है और यहां पर हवन किया जाता है और हवन के बाद यहां पर लोग अपनी अपनी मान्यताएं हवन के माध्यम से मांगते हैं, माँ को पूरी तरह मनाते नजर आते हैं। और अभी चूंकि सुबह का समय है, ऑफिस लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, शाम के समय जबरदस्त भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी, तमाम तरह के इंतजाम यहाँ देखने को मिलते हैं और माँ को मनाने की तमाम कोशिशें करते हुए लोग नजर आते हैं। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, पहुंचे हैं माँ को मनाने, किस तरह से मना रहे हैं माँ को? बस बाहर से नहीं। आप बताइए किस तरह से मना रहे हैं माँ को? किस तरह से?
तो ये भक्त अपनी भावनाओं में उस तरह से वशीभूत हैं कि कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, कुछ कहते हुए बचना चाह रहे हैं। और आमतौर पर होता भी ये है कि ये कहा जाता है कि आपने जो मांगा है वो बताया नहीं जाता, तभी माँ उसको पूरा करती है। तो भक्त अपनी दीपक और वैसे भी भक्त और भगवान के बीच की ये बात होती है, सार्वजनिक नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे कुरुक्षेत्र। हमारे संवाददाता अशोक यादव वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर में अशोक मौजूद हैं और वहां की मान्यता के बारे में आपने बताया अशोक, साथ ही साथ जो लोग वहां के हैं उनकी किस तरह से आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, कहां कहां से लोग यहां पर आते हैं और किस तरह से, आपने कुछ खास बातें भी बताई। आपने बताया कि यहां पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, थोड़ा सा उसको और विस्तार से ज़रा बता पाएं, या फिर अगर वहां कोई पुजारी मौजूद हैं उनसे आप पूछ पाएं कि उसके पीछे किस तरह की मान्यता है। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा माँ भद्रकाली का वो ऐतिहासिक मंदिर, विश्व विख्यात मंदिर है और बिल्कुल तस्वीरें बिल्कुल नजदीक से देख सकते हैं कि किस तरह से ये वो माँ भद्रकाली का मंदिर है जहां पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और कहा जाता है महाभारत कालीन से जब युद्ध की कामना की गई तो उसके बाद यहाँ पर घोड़े चढ़ाए गए और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। हम आपको मंदिर के जो मेन सेवादार हैं, जो पूजा करते हैं यहाँ पर, तमाम जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनसे भी पूछ के बातचीत कराएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो घोड़े चढ़ाने की क्या परंपरा है। आप हमें बताएं घोड़े चढ़ाने की क्या परंपरा है और घोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, क्या इतिहास है घोड़े चढ़ाने। यहाँ पे जब माता का दया टकना विराजमान है, यहाँ पे जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने यहाँ पे अपनी जीत की खुशी में यहाँ पे घोड़े चढ़ाए थे। तो वो परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी वही श्रद्धा है, वैसे ही लोग घोड़े चढ़ाते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई मिट्टी के चढ़ाते हैं घोड़े, तो उसके लिए है। यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी भी आए हुए हैं और अभी जो हमारे करंट के प्रणब मुखर्जी है उन्होंने अभी अपने उस पर बताया भी है इसके बारे में, माँ भद्रकाली माता के बारे में बताया है उन्होंने किस तरीके से ये 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ जो हरियाणा में युद्ध के बीच हुआ था, कौरव और पांडवों के जो बीच में युद्ध हुआ था उसमें जब पांडवों की विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पे घोड़े चढ़ाए थे और वही मान्यता आज तक चली आ रही है और जो भी माता भाई की यहाँ पे सुखना सुख के जाता है उनकी पूर्ण होती है। देखिए आप सुन सकते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ, युद्ध जीतने के बाद यहाँ पर वो घोड़े चढ़ाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। मैं आपको वो बिल्कुल नजदीक से वो घोड़े दिखाऊंगा कि किस तरह से वो घोड़े चढ़ाने की परंपरा जो आज भी जीवित है वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। और जाहिर है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ रहा है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि ये वो घोड़े हैं और जो घोड़े चढ़ाने की परंपरा आज भी जीवित है, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन घोड़े चढ़ाने की परंपरा, यानी कि कहा जाता है युद्ध, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब से ये परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल नजदीक से हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है, तो क्या जो ज्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो उस तरह की मनोकामना लेकर आते हैं, किसी का कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है या किसी को किसी मामले में विजय प्राप्त करनी है या फिर किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं? जी 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 जी, लोग यहाँ पर आते हैं कि इनका कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है या कोई सिद्धि प्राप्त हो, कोई पुराना मामला चल रहा हो, तो जाहिर है यानी कि जब विजय प्राप्त, जैसे कि युद्ध से जुड़ा हुआ है तो जाहिर है युद्ध यानी कि जीत होती है, तो जीत अपनी यानी कि कहा जाता है माँ के चरणों में कोई अपनी मुराद लेकर आता है, जब मुराद पूरी होती है तो उसके बाद ये घोड़े चढ़ाने की परंपरा महाभारत कालीन परंपरा है और यहाँ पर तमाम बिल्कुल और ये आज भी कायम है। बिल्कुल अशोक, और हम इस वक्त अंबाला का रुख करना चाहते हैं। नरेश सैनी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, आप कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनके बारे वो किस तरह से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस मनोकामना के साथ और किस आस्था के साथ वो यहाँ आज पहुंचे हैं, जरा उनसे भी बात कर लें। जी तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एक युवती है हमारे साथ, तो वो अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में आई है। उनसे बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है और किस तरह से वो पूरे नवरात्रों में माता की पूजा करती हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति जी, बताइए आप पूरे नवरात्रों में किस तरह से जो है माता की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं? कैसे करते हैं? और पूरा शिव का पाठ होता है मंदिर में, आज में तो वहाँ जाते हैं, उसका पाठ होता है पूरा अच्छे से, सब ध्यान से, और फिर यहाँ के माता जी के दर्शन करते हैं। तो कैसा लग रहा है आज मंदिर में आए आप? कैसा लग रहा है आज मंदिर में आए आप? गांधी का मंदिर है, लगभग जो है ऐसा माना जाता है कि
यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आते हैं दर्शाली उनकी मनोकामना जरूर पूरे करते हैं। जी अंजिता देखिए इनका साफ तौर पर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अम्बाला से जुड़ने के लिए। तो हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अम्बाला से और फरीदाबाद से, कुरुक्षेत्र से और नारनौल से।